फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ गुड क्वेश्चन, पार्टिनेंट क्वेश्चन। जो कंडीशन अभी बन गया ये बार थोड़ा नॉर्मल टाइम, जो मानसून विड्रॉ हमारे प्रदेश से ऑलमोस्ट प्रदेश का 98% हिस्सा से हो गया, तो ऑटोमेटिकली ये फीलिंग पब्लिक को, कॉमन सिटीजन्स को आ रहा है। थिंग इज पिछले 2 साल एटलीस्ट मुझे याद है, लास्ट ईयर 23 अक्टूबर अराउंड विड्रॉल हुआ था। नेचुरली अक्टूबर 3rd वीक तक काफ़ी अच्छा नमी था एवं बारिश भी हुआ, एवं उससे पहले साल यानी कि 2021 उसमें भी मानसून पीरियड एक्सटेंड हुआ था करीब 21-22 तक। तो उसमें भी माने जो हमारे यहाँ बोलते हैं प्रतीचा पाउस, ये लास्ट 2 ईयर्स था, एवं उस वजह से बारिश साथ में नमी, नेचुरली एटमोस्फियर ठंड हो गया था, माने टेम्परेचर जो बढ़ जाते हैं वो बढ़ा नहीं। अभी ये साल क्या हुआ, बाई 6th ऑफ अक्टूबर काफी हिस्सा से, एवं उसके बाद 9th ऑफ अक्टूबर ऑलमोस्ट पूरा प्रदेश से ही मानसून विड्रॉ हो चुका है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 वीक्स बिफोर विड्रॉल हो गया। नेचुरली क्या होगा, एक है क्लाउड अमाउंट कम होने के कारण जो सोलर इंसोलेशन दिन में डे टाइम सोलर इंसोलेशन ये रीचिंग टू अर्थ एटमोस्फियर, एवं पूरा जो एनवेलप ऑफ एयर इसको गर्म कर रहे हैं। ओके सो वी आर फीलिंग हॉट, नून टाइम इट इज रियली हॉट, एवं साथ में मॉइस्चर कम तो हुआ बट अभी भी काफी है। तो नेचुरली एक जो फील आ रहा है दैट इज हाई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर कम था पिछले 2 साल हमने एक्सपीरियंस किया, 34-35 था, ये साल ऑलरेडी 36-37 चला गया, यानी कि करीब 1-2 डिग्री राइज हो गया, एवं आगामी एटलीस्ट 7-10 डेज ये बढ़ा हुआ ही रहेगा या मामूली और बढ़ेगा। तो कब मिलेगी लोगों को, तो इसमें व्हाट इज हैपनिंग, हाई टेम्परेचर, मॉडरेटली हाई टेम्परेचर, साथ में मॉइस्चर भी कम हुआ बट अभी भी काफी है। रियल फील आपको लगेगा 37 में एज इफ 39। सो दिस इज जो पॉपुलरली नोन एज अक्टूबर हीट। तो इसमें राहत कब मिलेगा, राहत मिलेगा देखिए, ये जो मॉइस्चर लेवल और डिप्लीट हो जाएगा, एवं जैसे जैसे एंड ऑफ अक्टूबर होके नवंबर प्रोग्रेस होना शुरू करेगा, ऑटोमेटिकली क्लियर स्काई एवं आपका ये धूप कम हो जाने के, या जो मैंने बताया ये अक्टूबर हीट का इफेक्ट एक्सपेक्टेड ये महीने एंड तक मोरलेस चलेगा। इसके बाद क्या होगा, नमी कम हो जाएगा, नमी कम हो जाएगा, एवं ऑब्वियसली जो आपका पोस्ट मानसून पीरियड का सेकेंड महीना, ये पीरियड में थोड़ा सा नॉर्दर्ली कंपोनेंट ऑफ विंड जैसे थोड़ा बहुत मिक्स होगा, तो टेम्परेचर में एक ठंड का झोंका भी आने का चांस है। बट स्पेशली जो अभी अनकंफर्टेबल लग रहा है नाइट टाइम, ये देखा जाएगा क्लियर स्काई, अभी जो हमारा फोकस देखेंगे मेनली क्लियर स्काई, माने 2-3 ऑक्टा क्लाउड है, तो थोड़ा बहुत जो नाइट टाइम एस्केप ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन, जो दीर्घ तरंग विकिरण, इसको थोड़ा सा प्रिवेंट कर रहे हैं, तो जो एस्केप होना चाहिए नाइट टाइम, जो टेम्परेचर फॉल होना चाहिए अभी भी पूरा नहीं हो रहा है, बट वी फील एंड ऑफ ये महीना अर्ली नवंबर से ये न्यूनतम तापमान मामूली गिरेगा, एक ठंड का झोंका आएगा, एवं दिन का तापमान आपका जो मॉइस्चर ज्यादा होने के वजह से रियल फील टेम्परेचर काफी ज्यादा लग रहा है ये चला जाएगा। वी एक्सपेक्ट ये अक्टूबर हीट बाई एंड ऑफ अक्टूबर तक काफी हद तक कम हो जाएगा। इसके कुछ दुष्परिणाम हो सकते हैं क्या लोगों पे, कितना घातक रह सकता है? देखिए इस ये जो आपका समर टाइम, समर टाइम जो हीट लोड यानी के जो उष्ण लहर टाइप स्थिति होता है वैसा टाइप नहीं होगा, तो इन दैट केस उतना घातक नहीं है, पर ऑब्वियसली ये थोड़ा सा
अनकंफर्टेबल कंडीशन तो क्रिएट करेगा, एवं ये पीरियड में भी लोगों को जो हमारा एडवाइस रहेगा, स्पेशली दोपहर टाइम बाहर मे बी अराउंड 11 to 3 PM, 11 मॉर्निंग, 11 आवर्स IST से लेके 15 आवर्स IST, ये पीरियड बाहर ना रहे तो अच्छा है, बट इसमें हीट लोड उतना नहीं जो समर में होता है, तो उतना खतरनाक नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए। और दूसरा और एक है जो ये स्टेज में देखा जाता है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर में काफी अंतर है, मैक्सिमम जा रहा है 36-37, मिनिमम 18-19, ये है, तो करीब 20-21 डिग्री फ्लक्चुएशन, इसमें क्या होगा, थोड़ा बहुत कोल्ड काफ टाइप ऑफ बीमारी, थोड़ा फीवरिश, ये सब अनइजीनेस, बॉडी पेन, ये सब आ सकता है, तो ये जैसे ही आएगा इमीडिएटली कंसल्ट फिजिशियन।